हेलो गाइस, और हम लोग इस वीडियो सीरीज़ के अंदर डिस्कस कर रहे हैं इनसाइट आईएएस के जो मंथली करंट अफेयर्स आ चुके हैं, और इसके अंदर हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स अपने कवर कर लिए हैं, कुछ हम लोग अभी कवर करेंगे। अप्रैल की हम लोग बात कर रहे थे, मैं आपको एक बार हल्का सा बता देता हूँ हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है। ये जो पहले टॉपिक है ना, 6 तबलीगी जमात, निहाग, ये नेशनलिस्ट, अंबुची माला, बसवा जयंती, राजा रवि वर्मा, ये हमने कवर कर लिए हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग नेक्स्ट 3 टॉपिक कवर करेंगे, जलियांवाला बाग, खुदाई के खिदमतगार, और विमेन एंड विमेन रिलेटेड इश्यूज़ के अंदर के जो डोमेस्टिक वायलेंस के इंक्रीमेंट हुआ है, सडनली एक स्पाइक आया है लॉकडाउन के अंदर, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चले जाएंगे इन 2 रिपोर्ट्स के ऊपर, ये जो हमारी ग्लोबल रिपोर्ट्स हैं, और उसके अगली वीडियो के अंदर हम लोग 3 ये करेंगे। तो ये आज ही अपलोड हो जाएंगी। तो आज के इसमें सीरीज़ के अंदर हम लोगों ने GS 1 पूरा कवर कर लिया होगा अपना, अगर हम देखते हैं तो, और इसके जस्ट बाद हम लोग कल से स्टार्ट कर देंगे GS 2। GS 2 थोड़ा लेंदी होगा लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। इस वीडियो की स्पेशलिटी ये होती है कि अगर देखो, मैं आपको वीडियो में भी एक्सप्लेन कर रखा बीच में, अगर इन्होंने जो पूरा एक्सप्लेनेशन मंथली कंपाइलेशन में 10 लेवल तक का दे रखा सपोज, तो मैं आपको 11 और 12 की गहराई तक लेके जाता हूँ, यानी कि कुछ एडिशनल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैं आपको, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन आपके ऐड ऑन करता हूँ। जलियांवाला बाग के अंदर मैंने बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई, आप लोगों ने शायद कभी सुनी भी नहीं होगी इससे पहले, आप लोगों को कन्फ्यूजन रहा होगी हुआ क्या था, और ऐसी ऐसी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, बीच में बताता हुआ चलता हूँ। और जब ये चीज़ें रिपीटेडली आप सुनते रहते हो ना, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इन्हीं मंथली कंपाइलेशंस को मंथ में एटलीस्ट 2-3 बार पढ़ लिया करो, दैट्स इट, हो गया आपका काम। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बहुत जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, हमारा जो ये वाला टॉपिक है, यह है जलियांवाला बाग इंसिडेंट वाला। इसके बारे में ये न्यूज़ में इसलिए आता कि 13 अप्रैल 1919 को एक काइंड ऑफ एनिवर्सरी थी, क्योंकि जिस दिन जलियांवाला बाग के अंदर हंड्रेड्स ऑफ पीपल को जनरल डायर ने ओपन फायर करके मरवा दिया गया था। आपको इसके बारे में कहानी में ऑलरेडी बहुत कुछ पता होगा, लेकिन इस कहानी में आपको बहुत कुछ ऐसा बताऊंगा जो आपने कभी सुना ही नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे फैक्ट थे इसके रिगार्डिंग जो लोगों को बहुत कन्फ्यूजन में डाल देते हैं। मैं आपको पिक्चर के साथ दिखाऊंगा मैं आपको बहुत कुछ कैसे कैसे हुआ था, कहाँ पे क्या कुछ था, डिफरेंसेस, और ये कौन लोग थे किनके कारण ये प्रोटेस्ट हुआ था, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू शो यू, जस्ट होल्ड ऑन। हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, हुआ क्या था इस इंसिडेंट के अंदर। देखो, 13 अप्रैल 1990 को, जो कि एक बैसाखी का दिन था, पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, नॉर्थ इंडिया के अंदर, इस दिन को जो हमारी फसल होती है उसके कटने की खुशी में मनाया जाता है। जो लोकल्स हैं ना अमृतसर के, उन्होंने डिसाइड किया था कि वो लोग एक मीटिंग करेंगे कहाँ पर, ये जलियांवाला बाग के अंदर, जो कि गोल्डन टेम्पल के बिल्कुल पास है। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि वो लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो, और प्रोटेस्ट करेंगे जो कन्फाइनमेंट हुई थी, यानी कि सत्यपाल को और जो सैफुद्दीन किचलू जी थे, उन दोनों को रोलेक्ट एक्ट के अंदर कन्फाइन कर लिया गया था, जेल में डाल दिया गया था उनको। और देखो, आपको पता ही होना चाहिए कि जो हमारा रोलेक्ट एक्ट होता है ना, इसके अंदर उस टाइम किसी को भी डिटेन कर सकते थे विदाउट एनी ट्रायल, हालांकि इसको उसके कुछ सालों बाद हटा दिया गया था, बट स्टिल। तो हुआ फिर क्या था कि इस क्राउड के अंदर जब ये प्रोटेस्ट कर, ये बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट था, लेकिन उसमें क्या था कि मेन थे, विमेन थे, चिल्ड्रन थे, वो सब गैदर हुए थे जलियांवाला बाग में। और उस जो बाग था ना, उसके चारों तरफ दीवारें थी, गेट्स जो थे बहुत छोटे छोटे थे, और उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने मना किया हुआ था कि कोई गैदरिंग नहीं करनी है। तो ये जो प्रोटेस्ट था ये बहुत पीसफुल था, और जो गैदरिंग थी उसके अंदर ना कुछ पिलग्रिम्स भी थे जो कि गोल्डन टेम्पल पे आए हुए थे। पिलग्रिम्स का मतलब होता है तीर्थ यात्री, पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीरथ। ठीक है, तो जो कि सिर्फ वहाँ से गुजर रहे थे पार्क के आसपास से, और वो सिर्फ वहाँ रुक गए थे देखने के लिए कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों होंगी, हालाँकि वो सब भी इसकी चपेट में आ गए थे। तो जब ये मीटिंग ऑन थी उस टाइम ब्रिगेडियर, अब देखो ये ध्यान देना, ब्रिगेडियर जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर, ये उनका टेम्परेरी पोजीशन थी उस टाइम के लिए। वो वहाँ पर पहुँचते हैं, वो वहाँ पर सीन को देखते हैं कि पब्लिक असेंबल हुई हुई है, तो वो सोचते हैं कि अब इनको एक पाठ पढ़ाया जाए। वो उनके साथ 90 सोल्जर्स थे, डिफरेंट डिफरेंट रेजिमेंट्स के थे, जिनको अपने साथ में लेके आए थे। उन्होंने उस वेन्यू के ऊपर ओपन फायर करवा दी। बहुत लोगों ने कोशिश की दीवारों के ऊपर से कूद के भी चले जाएं, वो नहीं जा पाए, उनकी वहाँ डेथ हो जाती है। कुछ लोग थे वहाँ पर, एक कुआं था, उस कुएं में भी कूद के उनकी डेथ हो गई। अगर आप लोगों में से कोई वहाँ गया हुआ है तो आप लोगों ने डेफिनेटली देखा होगा कि वहाँ पर बहुत सारे मार्क्स हैं। वो कुआं भी आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे उसके अंदर बहुत सारे 379 के आसपास लोगों की वहाँ डेथ हुई थी। तो कितने लोग होंगे जिनको डायरेक्ट शूट हो गए, डायरेक्ट बुलेट लगी हुई, कितने लोगों के जो कुएं के अंदर कूद के उन्होंने अपनी जान दे दी होगी। तो कुछ मैं आपको हल्की हल्की एक दो फोटोज़ दिखा देता हूँ। देखो, ये वो जलियांवाला बाग है, ये बीच में जो इन्होंने बना रखा है, ये एक उसकी मेमोरी में बनाया गया है कि फॉर ऑल दोज पीपल हु गॉट सैक्रिफाइज्ड, उसकी मेमोरी में बनाया गया है ये।
और कुछ ऐसा सा नज़ारा रहा था, किसी पेंटर ने बहुत कोशिश की थी उसको बनाने की, कि देखो ये सारे के सारे जो हैं ये वो सोल्जर्स थे जिन्होंने यहाँ ओपन फायर कर दिया था, और ये जितने भी लोग थे बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था इन लोगों, लेकिन इनके ऊपर 90 के अराउंड सोल्जर्स ने ओपन फायर कर दिया था, और इसमें फीमेल्स भी थे, मेल्स भी थे, छोटे बच्चे भी थे, बड़े बूढ़े भी थे, एवरीवन वाज देयर। और अगर आप वहाँ की वॉल्स के ऊपर जाके देखते हो तो आपको ऐसे कुछ मार्क्स मिलेंगे जो दीवारों के ऊपर, जो उनकी बुलेट्स के जो मार्क्स थे उनको हाईलाइट करने के लिए दिखाया गया कि देखो किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने गोलियाँ चलाई थी हमारे ऊपर, अंधाधुन गोलियाँ। अगर आप लोग कभी अमृतसर गए होंगे तो आपने देखा होगा कि ये जो पार्ट है ना मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये हमारा जलियांवाला बाग है, यहाँ से बस सामने ही है बिल्कुल, यानी कि हार्डली 100 मीटर्स के ऊपर ये हमारा गोल्डन टेम्पल है। तो जो पिलग्रिमेज आए हुए थे वो इस गोल्डन टेम्पल में आए हुए थे, वो भी यहाँ ये सामने ही ऑन रोड है, यही वो रास्ता होता है, यहाँ से जाता है ये रास्ता, यहाँ पर वो लोगों ने खड़े होकर देखा था। ये जो है ना ये पॉइंट, ये मैं आपको कलर चेंज करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ये जो पॉइंट है ना ब्लू वाला, ये हमारे जलियांवाला बाग का एंट्रेंस है। ऑलराइट, तो अगर हम जलियांवाला बाग को थोड़ा सा और जूम करते हैं ना तो मैं आपको चीज़ दिखाना चाहूँगा यहाँ पर, ये एक पॉइंट है यहाँ पर देखिएगा, देखो ये हमारे जलियांवाला बाग का वो रोड है, यहाँ से अगर हम ऊपर की तरफ इधर को जाते हैं तो ये हमारा गोल्डन टेम्पल है। ये एंट्रेंस में ना यहाँ पर एक छोटा सा ना मेमोरेबल एक ट्राइंगुलर एक आई थिंक एक प्रिज्म सा बना रखा है पत्थर का, वो एक स्टैंडिंग पॉइंट है जहाँ के ऊपर, जहाँ पर खड़े होकर जनरल डायर ने वो डिसीजन ऑर्डर दिया था सोल्जर्स को फायर करने के लिए। तो ये बहुत ही एक पेनफुल मेमोरी है इंडियंस के लिए। अब हम बात करते हैं कि भाई डॉक्टर सत्यपाल कौन थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू कौन थे, कि जिनके डिटेन होने के कारण इतने लोगों ने प्रोटेस्ट किया था और ये सब हुआ, ये मैसेकर हुआ जलियांवाला बाग। तो पहले बात कर लेते हैं हम लोग सैफुद्दीन किचलू जी की। ये इंडिया के एक फ्रीडम फाइटर थे जो कि पाकिस्तान मूवमेंट के बहुत अगेंस्ट थे, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर भी थे, और इनको जनरली इसीलिए याद किया जाता है कि इन्होंने रोलेट एक्ट के अगेंस्ट इन्होंने प्रोटेस्ट किया था और फिर रोलेट एक्ट के अंदर ही इनको डिटेन कर लिया गया था। और इनको अवार्ड जो मिला था वो था स्टालिन पीस प्राइज़ भी इनको मिला था, जिसको अब आज की डेट में लेनिन पीस प्राइज़ बोला जाता है। सेकंड हम बात करते हैं सत्यपाल जी की। सत्यपाल जी जनरली एक मिलिट्री मैन थे, वो भी पंजाब से थे, और उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी पार्ट लिया था और सेकंड वर्ल्ड वॉर में, उनकी रैंक जो थी वो कैप्टन की रैंक थी। ये दोनों के दोनों प्रोटेस्ट कर रहे थे कि भाई ये रोलेट एक्ट जो है ये ठीक नहीं है। रोलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसने गांधी जी की एंट्री करवाई थी इस फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा रोलेट एक्ट के बारे में। देखो इसको बोलते हैं एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919, ठीक है। रोलेट एक्ट का दूसरा नाम है ब्लैक एक्ट। तो ये तीन नाम आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस एक्ट इतना बड़ा मैसेकर हुआ था, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस तो बहुत हो ही जाती है, सिंपल सी बात है। इसकी कहीं ना कहीं रूट्स थे डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के अंदर। देखो उस टाइम पे ना वर्ल्ड वॉर वन चल रहा था 1914 से 1919 तक, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो इस तरह के लॉ पास कर रही थी ताकि इंडियंस के अंदर ऐसे कुछ रिवॉल्यूशनरी भावनाएं ना आए, जो कि आ रही थी उन सबको सप्रेस करने के लिए। तो इस लॉ को जो पास करने वाले थे उनका नाम था सिडनी रॉलेट। ऑलराइट, अभी हम इतना ही जान लेते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, जितना जो हमारा टॉपिक है वो जलियांवाला बाग मैसेकर। रॉलेट एक्ट से संबंधित जो भी कुछ आएगा मैं उसमें और गहराई से उतरने की कोशिश करूँगा। देखो जितना इस मैगजीन में गिवन है ना, सपोज करते हैं मैगजीन के अंदर 10 गिवन है, ऑलराइट हम बात करते हैं मैगजीन में जो भी गिवन है उसको हम काउंट करते हैं 10, तो मैं जो आपको लेके जाऊंगा ना मैं आपको 11 और 12 तक लेके जाऊंगा, इतनी डेप्थ तक मैं आपको लेके जा सकता हूं, उससे ज़्यादा मैं लेके नहीं जाऊंगा क्योंकि हम लोगों को यूपीएससी के जो भी सिलेबस है ना उसकी बाउंड्री के विदिन रहना है। जो भी ये लोग फिर से मैं आपको बताता हूं, 10 तक का सिलेबस गिवन होता है, 10 तक का जो कंटेंट गिवन होगा मैं आपको उसमें दो पॉइंट की और डेप्थ तक लेके जाऊंगा और एडिशनल चीज़ें उसमें आपको बताऊंगा, लेकिन 10 से कम कभी भी कुछ नहीं होगा, एक भी पॉइंट कम नहीं होगा, या तो 10 के इक्वल होगा या 10 से ऊपर होगा, इतना एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा हर बार हर टॉपिक में। अब हम उस इंसान की बात करते हैं कि जिस इंसान ने गोलियां चलवाई थी फिर वो कौन था, और ये दो डायर थे उस टाइम पे, कौन सा डायर कौन सा था, उद्धम सिंह ने किसकी डायर किसको मारा था। ये जो बंदा था ये जनरली कर्नल था और ये टेम्परेरी बेसिस के ऊपर ब्रिगेडियर जनरल था उस टाइम, ही वॉज द वन हुज रिस्पॉन्सिबल। फिर इनको एक टैग मिल गया था बचर ऑफ अमृतसर, और जनरली इस इवेंट के बाद इनको ड्यूटी से हटा दिया गया था और ही वेंट ही वॉज कॉल्ड बैक टू ब्रिटेन
वहाँ पर जाकर इनको कुछ लोगों ने फेवर किया, कुछ लोगों ने इनके अगेंस्ट भी बोला था। एंड ऑफ कोर्स के कुछ सालों बाद इनकी डेथ भी हो गई थी, ही गॉट सिक और इसी कारण इनकी डेथ हो गई थी। हम लोगों ने जो सुना है कि उधम सिंह ने जनरल डायर को मारा था, वो किसको मारा था वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले हम ये जाना थे उधम सिंह कौन थे। तो शहीद उधम सिंह थे, ही वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, ही वॉज अ रिवोल्यूशनरी, ही बिलोंग टू द गदर पार्टी और ये भगत सिंह से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। और इन्होंने लंदन में जाके जिनको मारा था उनका नाम था माइकल ओ डायर। देखो देयर इज बिग डिफरेंस, ये थे रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर और जिन्होंने जिनको उधम सिंह जी ने मारा था वो उनका नाम था माइकल ओ डायर। इनके बारे में मैं आपको बताऊँगा अभी। अब उधम सिंह को क्या हुआ था ऐसा कि उन्होंने जाके भाई इसको मार दिया। देखो भाई उधम सिंह जो थे ना वो थोड़े से किलस गए थे, उनको लगा कि भाई ये तो बहुत गलत हो गया है। वो पंजाब से ही थे, तो हालांकि उधम सिंह को वैसे भी और भी कई कारणों से जेल भी हुई थी, तो एक बार वो जेल से छूटे और फिर पुलिस की उनके ऊपर नज़र थी क्योंकि वो रेवोल्यूशनरी थे, वो गदर पार्टी से बिलोंग करते थे। अब उनकी नज़र से बता के उधम सिंह पहुँच जाते हैं कश्मीर, कश्मीर से एस्केप करते हुए पहुँचते हैं जर्मनी, जर्मनी से एस्केप करके पहुँचते हैं वो यूके। वहाँ वो कुछ साल रहते हैं और वो किसी तरह वो इसी ताक में गए थे कि किसी तरह जनरल डायर इनको डायर को मार के आए। अब वहाँ पर रहने के बाद इन्होंने कुछ काम वाम किया, कुछ इंजीनियरिंग का काम, कुछ इंडस्ट्रीज में कुछ काम पकड़ा। एक दिन किसी क्लब वगैरह में इन्होंने किसी वहीं के फॉरेनर से कोई पिस्टल वगैरह खरीद ली थी। ये वेट कर रहे थे कि कब डायर की कोई कॉन्फ्रेंस हो, मीटिंग हो, मुझे मौका लगे मैं जाके मार दूँ। किसी एक सेशन के अंदर ये गए, वहाँ पर इन्होंने ओपन फायर कर दिया, इनको वहीं पकड़ लिया गया, इनको ट्रायल किया गया और इनको 13 मार्च को हैंग कर दिया गया था। सॉरी, जुलाई में इनको हैंग कर दिया था, 13 मार्च को इन्होंने माइकल डायर को मारा था। जब इनसे पूछा गया इनका नाम क्या है तो इन्होंने अपना नाम बहुत ही डिफरेंट वे में बताया था, जैसे आपको पता होना चाहिए। इन्होंने अपना नाम बताया था राम मोहम्मद सिंह आज़ाद, यानी कि तीन रिलीजन्स को इन्होंने मेंशन किया था, हिंदू, मुस्लिम, सिख। आज़ाद का मतलब फ्री, तीनों के तीनों फ्री। और इनको रेफ़र किया जाता है शहीद ए आज़म सरदार उधम सिंह, शहीद ए आज़म का नाम इनको टाइटल दिया गया था। अब इनको इन्होंने जिनको मारा था वो थे सर माइकल फ्रैंकिस ओ डायर। ये एक आयरिश थे और इंडियन सिविल सर्विस के थ्रू थे, ये उस टाइम पर लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। ठीक है, कर्नल जो थे ना जो हमारे वो थे जनरल हैरी डायर, और माइकल ओ डायर जो थे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। इनको उधम सिंह ने मारा था क्योंकि ये कौन थे, इन्होंने बहुत एंडोर्स किया था जलियांवाला बाग को, एक्शन को। एंडोर्स करना मतलब उसकी सराहना करना। ओके, तो बहुत सारा मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया। अब हम एक बार ये देख लेते हैं छोटा सा कि जो हमारा मैगजीन में गिवन है ये मंथली कंपाइलेशन में वो क्या है। उसके आगे हम लोगों ने यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, उसके बीच की एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने देख ली। अब आगे देखते हैं आउटकम्स क्या हुए थे इसके। बच्चर ऑफ अमृतसर जनरल डायर को रिमूव कर दिया गया था, उनको ब्रिटेन बुला लिया गया था। और इसी में रविंद्रनाथ टैगोर जी थे जो उनका टाइटल गुरुदेव था, और महात्मा गांधी जो थे एज अ साइन ऑफ कंडेमनेशन, कंडेमनेशन का मतलब होता है निंदा करना, उन्होंने निंदा करते हुए अपना जो नाइटहुड का और कैसर ए हिंद का जो मेडल था वो रिटर्न कर दिया था। 1922 के अंदर रोलेक्ट एक्ट को रिपील कर दिया, मतलब हटा दिया गया था। ये थी हमारे जलियांवाला बाग वाली पूरी कहानी। ऑलराइट, थैंक यू। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं खुदाई खिदमतगार के बारे में। देखो ये 23 अप्रैल को ना 1930 को एक इंसिडेंट हुआ था जो बेसिकली खुदाई खिदमतगार मूवमेंट को लेके एक किस्सा खवानी बाजार में एक मैसेकर हुआ था। मैसेकर मतलब हत्याकांड, जो कि कहाँ पर है, पेशावर के अंदर। ये मैं आपको भी मैप पे दिखाऊंगा। इसको 90 ईयर्स हो चुके हैं, 1930 में हुआ था, अब 2020 के अंदर इसको 90 ईयर्स हो चुके हैं। तो ये खुदाई खिदमतगार कौन थे और ब्रिटिश ने के अगेंस्ट इन्होंने एक मूवमेंट जो चलाई थी नॉन वायलेंट मूवमेंट, वो क्यों चलाई थी, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए ये वो एरिया है, वो मैसेकर का एरिया जो था पेशावर का, जो ये बाज़ार था, यहाँ पर इन लोगों ने एक नॉन वायलेंट मूवमेंट की थी लोगों ने, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने इस मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए इनके ऊपर गाड़ियाँ चला ली थी, इसलिए यहाँ पर एक बहुत लार्ज हत्याकांड हो गया था। तो जनरली इसको हम भूलते जा रहे हैं, इसी के रिगार्डिंग इसके 90 ईयर्स हो चुके हैं, उसी पर बात की गई है। अब देख लेते हैं ये एरिया है कहाँ। देखो ये जो मैप है ना, ये पाकिस्तान का बनाया हुआ मैप है, इसलिए इन्होंने हमारे इस एरिया को पीओके को कट करके अपना एरिया बता रखा है। तो पेशावर जो है वो यहाँ पे है पाकिस्तान में, इस ऊपर नॉर्थ वेस्ट फ्रंट, नॉर्थ वेस्ट एरिया में। इसी को हम लोग नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस भी बोलते हैं, और ये जो एरिया है ना इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और पाकिस्तान की अगर हम लोग कैपिटल की बात करते हैं तो इस्लामाबाद है। बहुत सारे लोगों को ना इसमें कन्फ्यूजन रहता है क्योंकि बहुत सारे नाम आते हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, लेकिन इनकी कैपिटल क्या है, इस्लामाबाद। ये हैं
अब्दुल गफ्फार खान, आप लोगों ने दिल्ली में नाम सुना होगा, खान मार्केट, गफ्फार मार्केट, वो इन्हीं को ऑनर करने के लिए बनाए गए हैं। अब जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, इन्होंने ये मूवमेंट चलाई थी खुदाई खिदमतगार की, और ये बहुत ही बड़े एक पॉलिटिकल लीडर थे। इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। 1890 से और 1988 के अंदर इन्होंने ही लिव्ड फॉर दिस पीरियड, और 1987 में इनको भारत रत्न भी मिला था, तो ये बहुत अच्छी बात है। इनके और भी जो नाम थे, देखो इनको बादशाह खान भी बोलते थे, बच्चा खान जो था इनका नाम था, निकनेम था इनका, और ये एक पाश्तून थे। पाश्तून क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। और ये मोहनदास गांधी हमारे महात्मा गांधी जी के बहुत अच्छे दोस्त थे, और इन्होंने ही खुदाई खिदमतगार मूवमेंट को स्टार्ट किया था। खुदाई खिदमतगार का मतलब क्या होता है, खुदाई मतलब गॉड और खिदमतगार मतलब सर्वेंट्स, तो हु आर द सर्वेंट्स ऑफ गॉड। 1929 में इन्होंने मूवमेंट की लॉन्च किया था। अब पाश्तून क्या होते हैं, पाश्तून जो होते हैं ना, ये इनको आप पख्तून्स भी बोल सकते हो और इनको पश्तून भी बोल सकते हो। ये एथनिक ग्रुप है अफगान के, इनको आप पठान भी बोलते हो। बेसिकली ईरानिक एथनिक ग्रुप हैं जो कि साउथ और सेंट्रल एशिया में रहते हैं। इनकी लैंग्वेज जो है वो पाश्तो होती है, और कभी कभी ये लोग उर्दू का भी यूज़ करते हैं। और इनका जो प्राइमरी एरिया है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान होता है। और खैबर पख्तूनवा क्या होता है, खैबर पख्तूनवा कुछ भी नहीं होता है, ये वही होता है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो होता है उसी को खैबर पख्तूनवा बोलते हैं। यहाँ पर ये जो है इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ अफगानिस्तान के पास है, ये मैं आपको मैप में दिखाता हूँ अभी। ये देखो जो मैंने आपको उस टाइम बताया था ना, ये ओरिजिनल इंडिया का मैप है, इसके अकॉर्डिंग ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, और ये हमारा देश इंडिया है। ये जो रीजन है इसको खैबर पख्तूनवा बोलते हैं, इस रीजन को। यही है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, यहीं पर हमारा पेशावर है, यहीं पे वो मैसेकर हुआ था। अब खुदाई खिदमतगार कौन थे, ये एक नॉन वायलेंट मूवमेंट थी जो ब्रिटिश के अगेंस्ट चलाई गई थी। इसे अब्दुल गफ्फार खान जी ने चलाया था, वो एक पाश्तून के फ्रीडम फाइटर थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से। अब आपको सब पता चल गया गफ्फार खान कौन थे, पाश्तून कौन होते हैं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहाँ पे है, इसलिए ऐसे पहले बता के फिर रीड करना ईजी होता है। ओवर द टाइम्स मूवमेंट ने एक पॉलिटिकल कलर ले लिया था जो कि ब्रिटिशर्स के नोटिस में आ गया था कि इनकी प्रोमिनेंस ग्रो हो रही है उस रीजन के अंदर। इसी को लेकर अब्दुल गफ्फार खान जी को अरेस्ट कर लिया गया था, और जो मूवमेंट थी ना उन्होंने फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉर्मली ज्वाइन कर लिया गया था, क्योंकि इनको ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से सपोर्ट नहीं मिला था। मेंबर्स ऑफ द खुदाई खिदमतगार वर ऑर्गेनाइज्ड एंड मैन स्टूड आउट बिकॉज ऑफ द ब्राइट रेड शर्ट्स दे वोर एज यूनिफॉर्म्स वाइल द वुमेन वोर ब्लैक गारमेंट्स। ये प्री का क्वेश्चन बन सकता है कि नेम द मूवमेंट इन विच द मैन वर हाईलाइटेड इन रेड टी शर्ट, रेड शर्ट्स एंड वुमेन वोर ब्लैक गारमेंट्स, तो खुदाई खिदमतगार मूवमेंट थी। फिर हम बात करते हैं कि इन लोगों ने ये बहुत ऑर्गेनाइज थे, अब तक ये मैसेकर हुआ क्यों था। देखो अब्दुल गफ्फार खान और अदर लीडर्स जो थे ना, इनको अरेस्ट कर लिया गया था 23 अप्रैल 1930 को ब्रिटिश पुलिस ने, जब इन्होंने एक स्पीच दी थी इन द टाउन ऑफ उत्मनज़ई, ठीक है। तो अब जब खान जी को अरेस्ट कर लिया गया था, तो इसने क्या किया था, इट स्पर्ड प्रोटेस्ट, जो प्रोटेस्ट थे ना उनको और प्रेरित कर दिया था। ऐसे वर्ड्स का ना यूज़ करना, जैसे ये वर्ड स्पर्ड, इन वर्ड्स का यूज़ करना मीन्स के आंसर में बहुत हेल्पफुल होता है, तो इनको आप नोट डाउन कर लिया कीजिए। और नेबरिंग टाउन्स के अंदर, जिसमें पेशावर भी इंक्लूडेड था। तो ये जो सारे प्रोटेस्ट थे ना, ये इस किस्सा खवानी बाजार में भी शुरू हो गए थे। अब हुआ क्या था, किस्सा खवानी बाजार का आप मैसेकर में क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स ने ना एक क्रैकडाउन लगा दिया था इन लीडर्स के ऊपर इस बाज़ार के अंदर। इसको लेकर, इसी रिस्पॉन्स को लेकर यंग वुमेन ने एक स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया था ब्रिटिश के अगेंस्ट, जिसमें उन्होंने रिवोल्यूशनरीज की टैक्टिक्स जो अडॉप्ट की थी। और वुमेन ने ऐसा क्यों किया था कि वुमेन्स होती ना वो अनडिटेक्टेड मूव करवा रही थी इजीली। उस टाइम के ऊपर वुमेन्स के ऊपर इतने रिस्ट्रिक्शंस फील नहीं करते थे, बिकॉज ब्रिटिशर्स यूज टू फील कि वुमेन वॉन्ट बी एबल टू रिवोल्यूशनाइज दिस इंडिपेंडेंस मूवमेंट। अकॉर्डिंग टू द अकाउंट्स बाय खुदाई खिदमतगार एक्टिविस्ट, ब्रिटिशर्स मूवमेंट ने ना, ब्रिटिशर्स मेंबर्स ने ना इन लोगों को हैरेस किया था, अब्यूज़ किया था, कोअर्सिव टैक्टिक्स मतलब इनको फोर्स किया था कि, और इनके ऊपर फिजिकल वायलेंस भी किया गया था, रिलीजियस परसिक्यूशन भी हुआ था। और तो लेकिन कुछ टाइम के बाद ना वुमेन के ऊपर भी वायलेंस और ब्रुटैलिटी होने लग गई थी। तो अगस्त 1931 में खुदाई खिदमतगार ने अपने आप को कांग्रेस पार्टी से ज्वाइन कर लिया था। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या होता है, खुदाई खिदमतगार ने अपोज किया था पार्टीशन को भी। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर मेंस का कुछ क्वेश्चन बनता है कि
हु आर द ग्रुप्स एंड द ऑर्गेनाइजेशंस दैट अपोज पार्टीशंस, तो उसमें एक था खुदाई खिदमतकार, और दे वर नॉट इन द फेवर ऑफ क्रिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट नेशन ऑफ पाकिस्तान. 1947 के बाद जो था खुदाई खिदमतकार स्लोली फाउंड देयर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस डिक्रीजिंग, और इसलिए इनका जो ये पूरी की पूरी मेमोरी है ना ये. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो वीमेन एंड वीमेन रिलेटेड इशूज़ पे है. देखो वीमेन रिलेटेड इशूज़ के ऊपर हर साल एक क्वेश्चन आता है, ये मतलब वीमेन पॉवर्टी, ये तो पंचायत वाला हो गया, ये तो UPSC के फेवरेट हैं. तो इस टॉपिक से रिलेटेड पूरे साल के अंदर क्या हो रहा है, आपको हर एक चीज़ ऑन फिंगर होनी चाहिए. अब हम स्टार्ट करते हैं. तो बात चल रही है COVID-19 की, कि इस टाइम पर ना डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा जो है वो चढ़ने लगा है, उसके ऊपर बहुत इंक्रीमेंट हुआ है केसेस के अंदर. मैं आपको बता रहा था कि जब भी हमारे बीच में ऐसे टर्म्स आए, यूनाइटेड नेशन आ गया, यूरोप की बात करेंगे, फ्रांस की बात करेंगे, UK की बात करेंगे, US की बात करेंगे, तो मैं इनको हमेशा एक्सप्लेन करता चलूँगा साथ में बीच बीच के अंदर. हम लोग टॉपिक से बीच में आपको ऐसा लग सकता है हम भटक रहे हैं, नहीं हम भटकेंगे नहीं, हम वापस उसी टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, उसी को ख़त्म करेंगे. बट आपको पता होना चाहिए ये सब चीज़ें क्या हैं कैसे. बार बार सुनने से, बार बार सुनने से आपको याद हो जाएगा, नोट्स बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. ऑलराइट, बोथ यूनाइटेड नेशंस और काउंसिल ऑफ यूरोप ने एक्सप्रेस किया अपना कंसर्न कि जो इंक्रीमेंट हो रहा है डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर, ये ठीक नहीं है. जनरली जो वेमेन और चिल्ड्रन हैं उनको बहुत बड़ा रिस्क है अब्यूज़ का विद इन देयर ओन होम्स ड्यूरिंग दिस पीरियड. बात बहुत सही है. देखो डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर जनरली जो विक्टिम्स होते हैं ना वो फीमेल और बच्चे ही होते हैं, और कल्प्रिट कौन होता है, कल्प्रिट होते हैं मेल्स मोस्ट ऑफ द टाइम, फादर एंड हस्बैंड. दिस इज मोस्ट ऑफ द टाइम, दिस इज नॉट एब्सोल्यूट, कुछ केसेस में रिवर्स भी पॉसिबल होता है. तो सिचुएशन कैसी है वर्ल्ड वाइड अनाउंसमेंट के बाद, मैं आपको थोड़ा सा चारों पॉइंट हल्के हल्के बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा ये सब क्या है, यूनाइटेड नेशन क्या है, यूरोप क्या है, इंडिया के रिलेशंस क्या हैं, क्योंकि ऐसी न्यूज़ के अंदर ना आपको ये पता होना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे भी क्या हो रहा है. तो जब से लॉकडाउन लगा है COVID-19 का, फ्रांस के अंदर जो कि यूरोप की एक कंट्री है, वहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेज हैं वो 36% इंक्रीज़ हो गए हैं पेरिस के अंदर. पेरिस इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस और यूरो वहाँ की करेंसी है. 32% हैं जो बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री के अंदर हुए हैं, जिसमें से 2 मर्डर भी हुए हैं. वेरी गुड, वेरी गुड का मतलब है कि ये गलत है गवर्नमेंट के केस के ऊपर, मैं इसको सराहना बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ. तो UK है हमारा, उसके अंदर जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तब से नेशनल डोमेस्टिक एब्यूज़ की जो हेल्पलाइन होती है, हर कंट्री की अपनी एक हेल्पलाइन होती है, आई थिंक मिडल ईस्ट को छोड़कर, वहाँ पर एक 25% इंक्रीमेंट देखा गया है ऐसे केसेस के अंदर, और ऑनलाइन रिक्वेस्ट आई है हेल्प के लिए. अब हम बात करते हैं जो US की, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि गन की जो सेल्स थी ना वो सडनली हाई हो गई थी, गन की सेल्स हाइड हो गई थी, और लोगों के ऐसे एक्सप्रेशन आ रहे थे कि दिस इज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ वेमेन एंड चिल्ड्रन, औरतों और बच्चों की रक्षा के लिए, उनके बचाव के लिए ऐसा किया जा रहा है. इंडिया की भी हम बात करते हैं तो इंडिया में जो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है उन्होंने कहा था कि सडनली उनके जो डोमेस्टिक केसेज की जो वायलेंस है उसमें एक स्पाइक मिला है. स्पाइक का मतलब होता है सडन इंक्रीमेंट. ऑलराइट, अब हम बाकी चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं. जब यूनाइटेड नेशंस की बात आ रही है तो हम जान लेते हैं यूनाइटेड नेशंस क्या है, क्योंकि इसके बारे में पता होना चाहिए. साल में हर दूसरे दिन ये ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में रहती है कि ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम है इंटरनेशनल पीस प्रमोट करना, सिक्योरिटी प्रमोट करना, फ्रेंडली रिलेशंस को बनाना, और इसके हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है. न्यूयॉर्क जो है यूएस का लार्जेस्ट सिटी है, और यूएस की जो कैपिटल है वो वॉशिंगटन DC है. DC का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया. इसके जो बाकी ऑफिसेज हैं वो जेनेवा में, नैरोबी में, वियना में, हेग में है. जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है, वियना ऑस्ट्रिया में है, हेग नेदरलैंड्स में है, इसमें हेग में ICJ के हेडक्वार्टर्स है. ICJ आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है. अब ये जान लेते हैं इसके हेडक्वार्टर जो न्यूयॉर्क के अंदर हैं, इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती हैं इसका मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ. देखो इसकी 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती हैं, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश. इसको याद करने के लिए क्या याद करना पड़ेगा, आप लोगों ने शायद कभी ना कभी एक वो बेवरेज होती है फ्रेस्का, फ्रेस्का आपने पी होगी, तो हम यहाँ पे फ्रेस्का की स्पेलिंग लिखते हैं FRESCA. एफ से फ्रेंच, आर से रशियन, ई से इंग्लिश, एस से स्पेनिश, सी से चाइनीज, ए से अरेबिक, फ्रेस्का. ये सारी क्या हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं किसकी, UN की. ये क्वेश्चन कहाँ पर आएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स के अंदर घुमा फिरा कर. 193 कंट्रीज इसके पार्ट हैं, 2 ऑब्जर्व स्टेट्स हैं. सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो एंटोनी ग्यूटेरेस हैं, ये पोर्तुगल के हैं ये. ओके, जो हमारा UN था वो World War II के बाद एस्टेब्लिश हुआ था. जो लीग ऑफ नेशन था जो कि World War I के बाद बना था वो फेल हो जाने के कारण ही वो फेल हुआ था लीग ऑफ नेशंस, इसलिए World War II हुआ था. और World War II के बाद हमें कुछ ऐसा चाहिए था बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो कि फेल ना हो और वर्ल्ड के अंदर फर्दर वॉर्स जो उनको ना होने दे. तो उस टाइम की बात है 1941 के अंदर, World War II था हमारा, World War II वो 1939 से और 1945 तक चल रहा था.
छः साल तक। तो 1941 के अंदर जो यूएस के प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रोजवोल्ट और प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने सब ने ये बात की, देखो भाई कुछ ऐसा बनाते हैं यूनाइटेड नेशंस जैसा। तो प्रेसिडेंट रोजवोल्ट ने ये टर्म दिया था यूनाइटेड नेशंस का उस टाइम पे, बेसिकली एलाइड कंट्रीज़ के लिए। एलाइड कंट्रीज़ का मतलब होता है फ्रेंडली कंट्रीज़ जो कोऑपरेट करती हैं आपस के अंदर। तो स्टार्टिंग के अंदर जो मेजर जो फोर पुलिसमैन थे इन्होंने रखे थे, फोर पुलिसमैन, वो कौन से कंट्रीज़ थे? यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, सोवियत यूनियन यानी कि रशिया और रिपब्लिक ऑफ चाइना। और इतना ही जानना अभी काफ़ी है, हम डीप में नहीं को देंगे। हमारा मेन टॉपिक चल रहा है विमेन वायलेंस, अभी भी ध्यान रहे। इंडिया का यूएन के साथ क्या कनेक्शन है, कब हुआ था? इंडिया जो था उसका स्टार्टिंग में फाउंडिंग मेंबर्स में ही था, उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस जो था 1944 में ही क्लियर कर दिया था। और इंडिया जो है वहाँ पर एक मेंबर है यूनाइटेड सिक्योरिटी जो यूएन का यूएनएससी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसका मेंबर है। देखो पाँच परमानेंट मेंबर होते हैं, उसके आपको पता होना चाहिए कौन से होते हैं, यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना और रशिया। उसके अलावा 10 कंट्रीज़ जो है वो टेम्प्रेरी मेंबर्स होते हैं, दो दो साल के लिए बनते हैं। तो इंडिया जो है अब तक 7 बार उसका टेम्प्रेरी मेंबर बन चुका है, जो विच कंपराइज टोटल ऑफ 14 ईयर्स। वो जो लास्ट जो बना था 2011 से 2012 में बना था। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं यूरोपियन यूनियन की। तो यूरोपियन यूनियन एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक यूनियन है जिसमें 27 स्टेट्स आते हैं। जनरली जो रशिया के इधर और अफ्रीका के ऊपर की जो कंट्रीज होती हैं उन्होंने आपस में मिलकर बना रखा है। इसका मेन मार्केट जो मेन मोटिव था ना वो था कि इंटरनल मूवमेंट हो लोगों की, इंटरनल ट्रेड हो, वो फ्री हो सके। तो ऐसा नहीं कि सारी कंट्रीज़ का ट्रेड आपस में फ्री है, जिन कंट्रीज़ ने कुछ कुछ ट्रीटीज़ को साइन किया हुआ है उन सबका फ्री है, लेकिन यूरोपियन यूनियन अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया का यूरोपियन यूनियन के साथ कैसा संबंध है ये हम जान लेते हैं। तो इंडिया जो इन दोनों के जो रिलेशनशिप्स हैं 1994 से हैं, उस टाइम ईयू इंडिया कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया गया था और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है। 2007 से दोनों ट्राई कर रहे हैं कि आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए, बट हो नहीं पाया अभी तक, ये होप कि हो जाएगा। 2018 और 19 की बात करते हैं तो दोनों का जो ट्रेड था बायलेटरल ट्रेड, बायलेटरल मतलब होता है दो तरफा, बाई मतलब टू, लेटरल मतलब साइड्स, दो तरफा जो ट्रेड हुआ था इंडिया और इसके बीच में वो 104.3 बिलियन US डॉलर का हुआ था 2018 और 19 के अंदर। बाकी ट्रेड की बात करते हैं तो ईयू जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। ये फैक्ट्स आपको ऑन फिंगर होने चाहिए, क्योंकि ये फैक्ट्स जो है आप कई जगह पे यूज़ कर सकते हो मीन्स के अंदर, इवन हिस्ट्री में भी अगर आपको कहीं मेंशन करना पड़े तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन की बात कर रहे हो, कहीं ऐसा कुछ आ जाता है गवर्नेंस में, तो भी आप यूज़ कर सकते हो। नॉट जस्ट कि इकोनॉमिक्स की ही पॉइंट है, ये आपके ब्राउनी पॉइंट्स होते हैं। कहीं पर भी कोई अच्छा आंसर लिखे, जो कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ मिस हो रहा है, वहीं पर एक साइड में एक बॉक्स बना के लिख दिया कि भाई देखो यू तो इंडिया, ईयू जो है इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, 12.5% जो इंडिया का ओवरऑल ट्रेड उसमें इस कंट्री के साथ होता है, उसके बाद चाइना आता है, उसके बाद यूएस आता है, इस तरीके से। इंडिया और फ्रांस के रिलेशन की हम लोग बात करते हैं, ये बहुत डीप टॉपिक है, ये शुभ्रा रंजन मैम के इंटरनेशनल रिलेशन के नोट्स हैं, आपको पढ़ना चाहो तो आप इसमें पूरा पढ़ सकते हो, इतना डीप में हम नहीं जाएंगे। फ्रांस के साथ एक हल्का सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूंगा, फ्रांस के साथ इंडिया ने डिफेंस कोऑपरेशन में किया था, इसमें अभी रिसेंट जो चल रहा है G2G एग्रीमेंट का मतलब होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, उसमें 36 रफाल एयरक्राफ्ट की बात की जा रही है, आपको पता होगा सारी चीज़ें, मैं बस एक हल्का सा रिविजन दे रहा हूँ। और एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2018 में जब प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन आए थे तो उन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस साइन किया था। इसके अंदर कौन सी कंट्रीज आती हैं, देखो हमारा जो अर्थ होता है ना, इसमें यहाँ पर एक लाइन होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पर एक लाइन होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, बीच में होता है इक्वेटर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में जितनी भी कंट्रीज आती है ना, ये सब इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पार्ट बन सकती हैं अगर वो बनना चाहें तो। लेकिन अगर बाकी ऊपर नीचे वाली कंट्रीज बन सकती हैं, हाँ वो मेंबर बन, ऑब्जर्विंग मेंबर बन सकती हैं, वो फुल टाइम मेंबर नहीं बन सकती, ऑब्जर्विंग मेंबर बन सकती हैं। इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो गुरुग्राम में है, आपको पता ही होगा दिल्ली NCR में आता है गुरुग्राम, और भी बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग इतना डीप में भी जाएंगे नहीं। कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था वेमेन का डोमेस्टिक वायलेंस का, वेमेन वाली चीज़ के ऊपर। तो फ्रांस ने ऐसा क्या किया है अभी तक, देखो फ्रांस ने 1 मिलियन का फंड है ना वो रिलीज़ किया डोमेस्टिक अब्यूज़ के लिए, ताकि जो भी ऐसे केस में सिचुएशंस आ रही हैं उन सबको हेल्प करने के लिए। उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो पॉपअप काउंसलिंग सेंटर्स बनाएंगे और जो भी डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम्स हैं उन सबको अगर कुछ रिक्वायरमेंट होगी कन्फाइन करने की, कुछ सिक्योर प्लेस देने की, तो होटल्स वगैरह के लिए भी वो लोग पे करने के लिए रेडी हैं। तो विक्टिम, अच्छा ये बड़ी चीज़, इन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज़ की है, क्या किया है, इन्होंने फार्मेसीज को डिस्क्रीटली पावर दे दी, जैसे कि अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस किसी पे हो रहा है तो वीमेन दे कैन गो टू द फार्मेसीज, यानी कि जो केमिस्ट की शॉप होती है, मेडिकल स्टोर्स होते हैं, वहाँ पर जाएंगे, दे कैन आस्क फॉर मास्क 19। द मोमेंट दे से मास्क 19, तो एक कोड है कि आई एम इन टू सम काइंड ऑफ हेल्प, आई नीड सम हेल्प, मेरे घर में
डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है और प्लीज़ हेल्प मी। तो मास्क 19 बोलते जो फार्मेसिस्ट होगा ही विल अरेंज सम हेल्प, पुलिस वालों को बुलाएगा, फिर जो भी इनका प्रोसीजर है, लेकिन ये एक कोड है तो आप ही एथिकल उसमें GS4 में यूज़ कर सकते हो इस कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं। इटली वालों ने क्या किया है, इटली वालों ने एक ऐप लॉन्च किया है, क्योंकि घर में अगर है डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो कॉल करना टफ हो सकता है। डोमेस्टिक का मतलब ही होता है घरेलू, तो कॉल करना टफ हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि आप एक ऐप लॉन्च किए, आप उस पर अपनी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। फिर उन्होंने 4 मिलियन यूरो का एक स्कीम भी, एक फ़ंड भी एलोकेट किया है, जिसके अंदर वो लोग शेल्टर्स भी बनाएंगे अगर विक्टिम्स को रिक्वायरमेंट हुई तो। स्कॉटलैंड के बारे में आपको बता देते हैं, स्कॉटलैंड ने एक 1.5 GBP का मतलब होता है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का, स्कॉटिश वुमेन्स एंड एड एंड रेप क्राइसिस स्कॉटलैंड का ही 6 महीने के लिए इंश्योर किया है, ताकि जो सारी सपोर्ट एंड सर्विसेज हैं उन सबको मेंटेन किया जा सके। अच्छा, मैं एक दिन किसी कोई और रिलेटेड टॉपिक आएगा ना इंडिया का और यूके वगैरह का, तो मैं आपको इन डेप्थ बताऊंगा कि ये यूके में क्या डिफरेंस होता है, ब्रिटेन में क्या डिफरेंस होता है और इंग्लैंड में क्या डिफरेंस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए, जनवरी 2020 के अंदर यूके इज़ द फर्स्ट कंट्री टू मूव आउट ऑफ यूरोपियन यूनियन, ब्रेक्सिट जिसको बोलते हैं, ब्रिटेन एक्सिट। ये कौन सी ट्रीटी के अंदर हुआ था, ये ट्रीटी ऑफ लिस्बन के अंदर हुआ है। तो पहले 28 कंट्रीज थी उसमें, अब 27 हो गई हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर। फिर हम बात करते हैं इंडिया क्या कर रहा है इस चीज़ के ऊपर। तो इंडिया का नया प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 चलाया हुआ है। इसके अंदर होता क्या है कि वुमेन को प्रोटेक्शन की गारंटी दी जाती है, ऑब्वियस ही बात है। सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये जो प्रोटेक्शन है ना, ये एक तो ये पनिशेबल ऑफेंस है, डोमेस्टिक अब्यूज़ जो है एक पनिशेबल ऑफेंस है, इस पर सज़ा मिलती है। सेकंड, इसके बारे में खूबसूरती है कि ये लिव इन रिलेशन सब को भी इंक्लूड करता है अपने अंदर, और ऐसे टाइम पे इमरजेंसी का रिलीफ भी दिया जाता है विक्टिम्स को। ये स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर नहीं लगता है, और ये जो प्रोटेक्शन है वुमेन का फिजिकल, सेक्शुअल, वर्बल, इमोशनल, इकोनॉमिक अब्यूज़ होम के अंदर, बिसाइड 1983 डोमेस्टिक वायलेंस जो था उसको एक स्पेसिफिक क्रिमिनल ऑफेंस बताया गया था सेक्शन 498A के अंदर, जो कि इंडियन पिनल कोड का है। तो ये था हमारा टॉपिक अब तक का, एंड दैट्स इट। ओके, थैंक यू।